बहुत सिस्टमेटिकल चैप्टर है। और दूसरी बात ये है आपका चैप्टर टू, बट ये चैप्टर फोर का एक तरह से अगर आपसे कहूं 25% पार्ट है। चैप्टर फोर में करेंगे तो चैप्टर टू अगर आपका किया होगा तो चैप्टर फोर का 25% यहीं से हमारा पार्ट डन हो जाएगा। आपके पास थ्री एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3, ठीक है सर। और एक अगर हम लेंगे तो 2.4 ऑप्शनल, ओनली 4 क्वेश्चन ये हमारे पास। अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ हमारे पास तो सारे बच्चों को इसमें डाउट है, या ये कहिए स्कूल में हो गया होगा, उन्होंने यहाँ मेरे साथ नहीं किया तो बड़ा प्रॉब्लम थी। तो मैं आपको सिस्टमेटिकल कितना है टेंथ में वो बता रहा हूँ, और जिन बच्चों ने कर लिया उनको अब समझ में आएगा कि सर बात यही है। तो इतना सिस्टमेटिकल है कि एक्सरसाइज 2.1 का मतलब 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटे, कि आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन होगा ऐसे करके सपोज करो, और आपसे पूछेगा हाउ मेनी जीरोज आर देयर ऑफ दिस ग्राफ। तो अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो वो आपके जीरोज होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ उसकी डेप्थ बता रहा हूँ। तो ये हमारा ग्रीन अगर ग्राफ है और ये सिर्फ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो दिस ग्राफ हैज 1 0। बट अगर आपके पास एक और ग्राफ है और आपके पास जो उसका ग्राफ आ रहा है पॉलिनोमियल का सपोज करो वो ऐसे जा रहा है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है 3 प्लेसेस पे, 1 2 3, तो इसके जीरोज होंगे 3। तो सिर्फ आपसे जीरोज पूछ रहा है, एंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस। तो ये बेटे पहली एक्सरसाइज है, इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस। ये इतना सा है, अभी करेंगे क्यों क्या कैसे तो, बट ये इतना है, दैट्स इट। एक्सरसाइज 2.2 जब हम बात करते हैं तो आपने नाइन्थ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सपोज करो मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 फैक्टराइज करना सीखा था, फैक्टर किए थे आप। अगर आप उसके फैक्टर्स करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपने खूब किया है, फिर यहाँ से हम जीरोज निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो इन जीरोज में ये जो हमारे जीरोज आए हैं, और पॉलिनोमियल में जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है वो हमारे पास ए है, जो x के साथ नंबर है वो हमारा b है, और जो फाइनल नंबर है वो हमारा c है। तो इन जीरोज में और इन a b c में रिलेशन होता है। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2, दैट्स इट, इतना सा। और एक्सरसाइज 2.3 में जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा एग्जांपल 9 और क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स इट। तो इतनी डेप्थ है बेटे आपके चैप्टर में, बस कहानी खत्म। ये है पॉलिनोमियल। हाँ भाई बच्चे, यही है पॉलिनोमियल या कुछ और है? किस किसने पढ़ा हुआ है स्कूल में या यहाँ जिसने डिस्कस किया है? यही है ना आपका पॉलिनोमियल? यस सर। आ जा, मैं पूछूंगा मैं इसको कितना पता है, तब बात बनेगी। सर मैं सोने जागने का रूटीन ना बेटे डिस्टर्ब हुआ है, डिस्टर्ब ही कह लूँ, अच्छा भी कह लूँ, अच्छा भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल 10 बजे नींद आती है बहुत अच्छी वाली, लेकिन फिर 2 बजे 2:30 बजे उठ जाता हूँ।
अब 2-2.5 बजे उठता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ने को मिल जाती है, फजर पढ़ने को मिल जाती है, कुरान शरीफ पढ़ने को मिल जाता है, अल्लाह के सामने रोने को मिल जाता है। लेकिन फिर वो 3 बजे मुझे दिन में नींद आती है, 3:30, और उसकी वजह से आप बच्चों की क्लासेस डिस्टर्ब होती है। हमें सोचा था मैंने कहा आपकी क्लास का टाइम थोड़ा सा ऊपर कर दो, 5:36 यस सर, तो आपको भी मिल जाएगा मौका, मुझे भी। मैं सोच अपनी क्लासेस में 6-8 ले जाऊँ, 4-2, मेरी अभी 4-6 होती थी, तो मैं सोच रहा हूँ अपनी क्लासेस को 6-8 ले जाऊँ। तो आप बच्चे बताओ, किसी को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, नो सर, ठीक रहेगा अगर 6-7 कर दें? यस सर, यस सर। चलो देखेंगे, थोड़ा सा रात में कोई जागता नहीं है ना, रात में सिर्फ उल्लू जागते हैं। रात में जब मैं उठता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, ये सही है। अल्लाह के सामने पूरी कायनात सोरी होती है, अगर आप उठ जाएं तो फिर अल्लाह से बातें करिए, अल्लाह से मांगिए। अल्लाह, इतनी सारी बात तो बता रहा हूँ, ऊपर वाले से बातें करता हूँ संगे मित्र, ऊपर वाले से बातें करता हूँ, मैं कहता हूँ ये अल्लाह मेरी एक बच्ची है संगे मित्रा, उसे पढ़ने का शौक दे दे, अल्लाह वो पढ़ने लगे, ऐसी ऐसी बातें करता हूँ बैठ के मैं, ठीक है ना फिर? तो अच्छा आइडिया दिया, हम भी यही करा करेंगे बेटे, जो बड़े हुए हैं बेटे, जो भी अच्छे लोग हुए हैं उनका रूटीन यही रहा है, वो रात में उठते थे, थोड़ा मतलब सुबह से पहले उठते थे, वो वक्त इतना अच्छा होता है, मतलब साइंटिफिकली भी एनर्जेटिकल टाइम होता है, उस टाइम एनर्जीज होती है सराउंडिंग्स में, अगर आप कभी उठेंगे आप फील करेंगे बहुत एनर्जेटिक होता है। एक्चुअली दो चीजें हैं ये तो आप सब बच्चों माने होंगे, एक हमारी बॉडी है, एक हमारी सोल है। तो सोल के लिए एनर्जी वो अलग से चाहिए, रूह जिसे आप कहिए, आत्मा जिसे कहिए, वो सिर्फ उसकी एनर्जी जो है ना वो अलग ही है। मैं उस सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जागने का टाइम, चलो भाई आओ, बहुत ही शॉर्ट में अगर हम कहें बेटे, यस ये हमारे पास है, अच्छा जी ठीक है, कहाँ गया? आपके स्कूल्स वालों ने अपनी वेबसाइट्स पे अपने उसमें वो मेंशन किया होगा आपके स्कूल का रिजल्ट, देखा आप लोगों ने? यस सर, हमारे स्कूल में हाईएस्ट 95% है। Highest? 95%. 95. From my school, 99.28. Very nice. बेटे असल में क्या है? अपने अपने शौक हैं, अपने अपनी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप कुछ right choices करें तो ये एक बहुत अच्छा सा कहना चाहिए होता है कि अगर आप इस बोर्ड को, ये जो डिस्प्ले बोर्ड कहिए या इस रिजल्ट को अपनी नजरों के सामने रखें और दिमाग में रखें, यहाँ कहीं पे नेक्स्ट टाइम मेरा नाम होना चाहिए, तो अब अजीब सी तो एनर्जी रहती है पूरे साल अपने अंदर, और अजीब सी खुमारी रहती है, शौक रहता है, और फिर लास्ट टाइम जब वो डिस्प्ले होता है तो मजा आता है। जिस तरह की चीज करिए तो अच्छा लगे, फिर आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। ये बेटे आपके सामने ग्राफ है, ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कस करूं कि ये कहां से आया, क्यों आया। आपसे क्या कहता है, हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये होगा,
प्लीज देखिए ग्राफ के ऊपर, लुक एट द ग्राफ और इन फिगर 2.9, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है. Given below, each is the graph of the y px, where px is a polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of px. तो question number तो solution तो इतना है बेटे, जब मैंने आपसे कहा कि number of zeros, ठीक है बेटे, number of zeros जो होते हैं, that is equals to number of intersection. Of graph with x-axis. Solution तो सिर्फ इतना है. आप मुझे बताइए, ये मेरे पास बेटे first वाला x-axis, ये graph है, ये मैंने green कर दिया, तो इसने x-axis को कितने points पे intersect किया है बेटे? एक point पे. Only at one place. It is my जीरो. मैं भी बताऊंगा क्यों होता है सर, ऐसे ही क्यों कह रहे हैं. तो ये मेरा जीरो है, तो फिर सिर्फ मुझे तो अभी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करने, तो इट हैज ओनली वन जीरो. एंड इन सेकंड माय ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एट टू प्लेसेस, तो दिस ग्राफ हैज टू इंटरसेक्शंस, तो टू जीरोस. एंड द थर्ड वन हैज थ्री इंटरसेक्शंस, सो नंबर ऑफ जीरोस आर थ्री. The fourth one has number of intersection with x-axis is one. One. Okay. So only one zeros. The last one has also at one place. So it has one zeros. And it this one, last one is one, two, three four. And four places. Four. So it has four zeros. So pehla question to aapke paas sirf itna hai, uska solution sirf itna hai. लेकिन क्यों हम सिर्फ एक्स एक्सिस का ही इंटरसेक्शन को कहते हैं, उसका मैं रीजन दूंगा, वो बस आप समझ लें. क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक आप ये ना मालूम हो कि ऐसा ही क्यों होता है, इसी को हम क्यों कहते हैं, तब तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता. अब ये हमारे पास ये एग्जांपल था, और ये आपके एनसीईआरटी का बेटे क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 2.1. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाले में बेटे कितने जीरोस हैं? जीरो जीरो जीरो, बिकॉज़ द ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, सो इट हैज नो जीरोस. तो हमारे पास जो जीरोस आएंगे बेटे, नंबर ऑफ जीरोस आर जीरो. फॉर द सेकंड वी हैव वन वन. फॉर द थर्ड वी हैव वन टू थ्री थ्री थ्री. And last one, मतलब sorry, fourth is two zeros. And this one is one, four. Two, four. Three, four. सब बच्चों से कहूँगा involved रहिए बेटे class में, ठीक है? सब बच्चे one, three. Two, three. So we have three zeros. That's it. Three. ये मेरे पास. आइए, अब मैं इसका reason बताता. Actually क्या है बेटे? मेरे पास suppose करो एक polynomial है. Ninth में हमने थोड़ा सा पढ़ा था. उसको थोड़ा सा revise कर लेते हैं. ये हमारे पास है पॉलिनोमियल, हमारे पास है पी एक्स. क्या हुआ, चलो चल रहा है डिस्प्ले देर में क्यों हो रहा है. हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स है, और बेटे मैं आपसे कह दूं पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू फाइव, इसमें कोई एक्स नहीं है. तो कोई बच्चा मुझे बताएगा ऐसा पॉलिनोमियल कौन सा होता है जिसमें सिर्फ नंबर होता है? क्या कहते हैं इस पॉलिनोमियल को? हमने लास्ट क्लास में बेटे नाइन्थ में पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये थे नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस्ड. और एक हमारे पास होता है बेटे जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्वाड्रेटिक. ये सब बच्चों को पता है? मैं अभी दोबारा से भी डिस्कस करूंगा. बट हमारे पास जिसमें बेटे वेरिएबल नहीं होता है उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं बेटे, जीरो पॉलिनोमियल, या आप ये भी कहिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्योंकि आपके पास अगर ये पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल तो जरूर है, बट अगर नजर नहीं आ रहा है इट मीन्स इट पावर है जीरो, ठीक है? तो अगर आपके पास पावर जीरो है, दैट्स व्हाई इट इज जीरो पॉलिनोमियल.
पावर वन है तो लीनियर पॉलीनोमियल, पावर टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, ये हमारे पास है। अच्छा अगर अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, भाई ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे सर, हम क्या करेंगे पी एक्स को, हम पी एक्स को बेटे वाई कंसीडर कर लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इन दिस केस मेरा जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू फाइव। अब मैं अगर y is equals to 5 का ग्राफ ड्रॉ करूं, नाइन्थ में मैंने ये भी सीखा है कि भाई y is equals to 5 में x तो है नहीं, तो अगर x नहीं है तो इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, शायद अगर आपने सीखा हो, 0 into x plus y is equals to 5। अब आप लोगों ने सीखा होगा कि आपको किसी एक वेरिएबल को सपोज करना है, सेकंड को रखना है, तो उससे आपने टेबल फॉर्म करना सीखा होगा, ठीक है। तो अगर हम टेबल फॉर्म करेंगे तो यू हुई एक्स की वैल्यू से बेटे यहाँ जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप एक्स में कुछ भी रखेंगे ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट टू जीरो, तो जीरो में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वैसे भी मैं आपसे कहूँ अगर हमारे पास ये एक्स है बेटे, ये वाई है, और वाई मैंने किसको कहा है, वाई बेटे मैंने कहा है पी एक्स को, तो y बेटे मेरा 5 है, तो आप ध्यान रखिएगा y 5 ही रहेगा बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट। आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, 0, 1, माइनस 1, 2, लाइक दिस। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चा, तो आपके पास ग्राफ क्या आएगा, सपोज करो ये मेरा y एक्सिस है बेटे, और ये मेरा बेटे x एक्सिस है, ठीक है बेटे, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरा y 5 है, मेरा वाई फाइव कहाँ होगा, मेरा वाई फाइव यहाँ कहीं होगा, सपोज करो ये वन है बेटे, ये टू है, ये थ्री है बेटे, ये फोर है, और ये फाइव। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स जीरो वाई फाइव, तो एक्स जीरो वाई फाइव ये है, तो एक्स जीरो यहाँ होगा, वाई फाइव यहाँ होगा, तो ये वाला पॉइंट मेरा होगा जीरो फाइव। अगर मुझे चाहिए वन फाइव तो मेरा पॉइंट वन फाइव ये होगा, अगर मैं कहूँ माइनस वन फाइव तो ये होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ बेटे कुछ ऐसे जाएगा, कांस्टेंट ऐसे, तो आप इसे कहेंगे y is equals to 5। अगर आप वैसे ही सोचते बेटे तो आप प्लीज ऐसे, ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये सपोज करो हमारा y 5 है बेटे, y 5 ही रहेगा, x को आप इंक्रीज करिए, x इंक्रीज बेटे राइट साइड होता है, तो आप बगैर सोचे ऐसे इंक्रीज कर सकते हो राइट साइड में, एक्स को आप डिक्रीज करिए ऐसे बेटे लेफ्ट साइड में कर सकते हो। वाई इंक्रीज कब होता है, जब आप ऊपर जाते हैं, वाई डिक्रीज कब होता है, जब आप नीचे जाते हैं, तो वाई तो फाइव है तो वो फाइव के हाइट पे ही रहेगा, आप चाहे राइट साइड जाइए चाहे लेफ्ट साइड जाइए। तो ये हमारा ग्राफ होता है। अब इस ग्राफ में देखो क्या ये कहीं एक्स एक्सिस को काट रहा है, नो सर, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो इसको हमने जीरोस कहा, क्यों कहा हमने जीरोस, एक्चुअली आप समझने की कोशिश करो, बस एक ही उसमें आंसर दे देते हैं कि भाई हमारे पास ये पी एक्स है, और पी एक्स हमने कहा, सपोज करो आपसे कहा था एक्स प्लस फाइव, आपसे कहा था इसका जीरो निकालो, जीरो एक तो जीरो पॉलिनोमियल है, एक है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या था कि वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच Our polynomial is zero. Px becomes zero. अब जैसा इस वाले में अगर हम रखें x plus 5 का zero क्या आएगा? हमने क्या करना था? इसको zero के equal रख लेना था. तो हमें पता चल जाता x की value क्या रखें. तो अगर हम यहाँ x को minus 5 रखते बेटे, तो ये होता minus 5 plus 5 is equals to zero. तो minus 5 रखने से हमारा zero आ रहा. किसमें? इसमें, इस वाले polynomial. ठीक है, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव। अब इसमें हम एक्स की क्या वैल्यू रखेंगे ये जीरो हो जाए? जी बेटे, अगर हम यहाँ जीरो रखेंगे तो पी जीरो जो हमने अभी रखा भी था फाइव आएगा, अगर हम यहाँ वन रखेंगे तो पी वन इज ऑल्सो फाइव, अगर हम माइनस वन रखेंगे पी माइनस वन इज फाइव, आप कुछ भी रख लीजिए वाई हमेशा फाइव आएगा, वाई यहाँ जीरो आएगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ x के रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज जीरो।
ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो है ही नहीं, नो जीरो। तो इसका मतलब हमें क्या ढूंढना होता है, हमें ढूंढना होता है कि पी एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये हमें ढूंढना होता है। ठीक है, ये देखो हमने क्या लिखा है यहाँ, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ हम क्या कह रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है पी एक्स को हमने वाई माना है, तो हमें ढूंढना होता है कि वाई कहाँ जीरो होता है। अब आपने टेंथ के अंदर नाइन्थ के अंदर सिर्फ एक चीज पढ़ी होगी कि भाई ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस वाई इज ऑलवेज जीरो, एंड ऑन वाई एक्सिस, या आप चैप्टर सेवन में भी पढ़ोगे एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे अगर वाई जीरो चाहिए और वाई को मैंने कहा है पी एक्स, तो अगर मुझे पी एक्स जीरो चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा एक्स एक्सिस पे। तो जैसा हमने आपसे कहा कि भाई आप जरा ये देखिए ये मेरा ग्राफ जा रहा है, तो इस पे बताओ इस ग्राफ पे वाई जीरो कहाँ है, तो हम ये कहेंगे सर वाई तो जीरो सिर्फ एक्स एक्सिस पे होता है और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो इस पे वाई जीरो नहीं होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये सपोज करो मेरे पास ये है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इसका हमने जीरो अभी लिया भी था, तो हम क्या करते हैं ये हमारे पास हो गया एक्स और ये हमारे पास हो गया वाई, वाई हम किसको कह रहे हैं वाई हम कह रहे हैं पी एक्स को। तो अगर आप बेटे एक्स को जीरो रखेंगे तो पी एक्स क्या आएगा फाइव आएगा, समझ रहे हैं ना, अगर आप यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस फाइव क्या हो जाएगा फाइव, ये आप किसे कह रहे हो पी जीरो। अगर आप एक्स को वन रखेंगे तो पी वन क्या होगा बेटे वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स, अगर आप बेटे माइनस फाइव रखेंगे माइनस फाइव क्या होगा माइनस फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो जीरो। तो सिर्फ ये ही सीखना था छोटी सी बात तो कि भाई मेरा वाई जो है वो जीरो कहाँ हुआ है, तो वाई जीरो माइनस फाइव के लिए हुआ। ठीक है, अब इसका अगर आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया, क्या है हमारे पास एक्स के लिए जीरो वाई के लिए फाइव, मान लो यहाँ है ये एक्स वन वाई सिक्स, वन के लिए वाई सिक्स और ऊपर चला गया यहाँ चला गया माइनस फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव कहीं यहाँ होगा, तो ये ग्राफ बेटे कुछ ऐसे जा रहा होगा ऐसे। किसका ग्राफ है ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भाई ये ग्राफ है, अच्छा चलिए पॉइंट लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट है मेरा माइनस फाइव कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट था बेटे मेरा जीरो फाइव, ये वाला पॉइंट था मेरा वन सिक्स। अब मैं आपसे कहूँ इस ग्राफ को देखो और इस ग्राफ पे बताओ वाई जीरो कहाँ है, इस ग्राफ को देखो और मैं आपसे कहूँ वाई जीरो कहाँ है, तो आप एक तो ये है कि कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, इस वाले पे वाई सिक्स है, इस वाले पे वाई फाइव है और इस वाले पे वाई जीरो है, तो आप क्या कहेंगे सर इसका वाई जो जीरो आया है वो वाई जीरो यहाँ आया है सर। ठीक है, और मैं वैसे अगर ग्राफ की बात करूं कि सर वाई ग्राफ के ऊपर वाई जीरो होता कहाँ है, तो आप क्या कहोगे कि सर वाई जो जीरो होता है वो कहाँ होता है सर, हाँ भाई पूरे ग्राफ पे वाई कहाँ होता है एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, तो आपको सिर्फ इतना देखना होता है बेटे कि जो मेरा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहीं पे मेरा वाई जीरो है। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ ऐसा आ रहा है कि सर ये ऐसे ग्राफ आया ऐसे ग्राफ आया, तो फिर इसका मतलब ये यहाँ पे वाई जीरो है, 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 तो जहां जहां वाई जीरो है वहां वहां पी एक्स जीरो है, और जहां जहां पी एक्स जीरो है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है, रूट है, सॉल्यूशन। बात समझ में आई या नहीं आई सर इतनी सी बात? यस सर। हमने आपसे कहा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन,
या आप ये कहिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है वाई जीरो. वाई जीरो कहाँ होगा? ऑन एक्स एक्सिस. तो आपका एक्स एक्सिस भी होना चाहिए और ग्राफ भी होना चाहिए. तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस पे मिल रहा है तो वहां पे वाई जीरो होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द सॉल्यूशन. पहली चीज तो ये थी. अब दूसरी चीज सीख लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन करना है. होता क्या है बेटे, आपको कैटेगराइज करना होगा अपने पॉलिनोमियल्स को. एक तो मैंने अभी आपसे कहा पी एक्स इज इक्वल्स टू ए, इसमें वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल नहीं है तो इसमें एक्स की पावर जीरो है. इसे आप जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं. एक आपके पास होता है पी एक्स इज इक्वल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी. ए एक्स प्लस बी क्या है? यहाँ पे एक्स की पावर वन है. तो अगर x की पावर 1 है इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. एक हमारे पास होता है बच्चे px is equals to ax square plus bx plus c. Here power is 2. So this polynomial is called quadratic polynomial. हमारे पास क्या है बच्चे px is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. ये हमारे पास. ठीक है सर. तो आपके पास ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल. आपके पास है बस लास्ट, बाकी सब तो हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही रख देते हैं. ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. It is called bi-quadratic. ठीक है बेटे. इन सब के अंदर आप चीज ध्यान रखिए बच्चे, सबके सब बच्चे ध्यान से, कि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है इन ऑल पॉलिनोमियल्स कि a नेवर बी जीरो. बाकी सारे b c d, देखो x तो कभी जीरो होता नहीं, ध्यान रखना. उसकी तो पावर्स जीरो हो सकती है. ठीक है, x अगर कहीं नजर नहीं आ रहा तब भी वो x वहां पे अवेलेबल है. तो आप ये नहीं कह सकते कि सर वेरिएबल जीरो हो गया. तो वेरिएबल तो अगर जीरो होगा भी नहीं, इवन फर्स्ट वाले में भी जीरो नहीं है x, उसकी पावर जीरो. सिर्फ इन सब में क्या कंडीशन है कि ए नेवर बी जीरो इन ऑल. बाकी जो आपके पास बी है बेटे, आपके पास सी है, ये सारे जीरो हो सकते, बट ए जीरो नहीं होगा. तो अगर ए जीरो नहीं होगा तो फिर जो हमारे पास उसके साथ पावर है उस पर डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल कौन सा. तो अगर हमारे पास पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक रह जाएगा, 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक, एंड 1 है तो लीनियर, एंड फाइनली अगर x की पावर 0 है तो 0 पॉलिनोमियल. अब हमारे पास होता क्या है बेटे, कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x विल मेक दिस पॉलिनोमियल 0 डिपेंड्स ऑन दिस पावर, दिस डिग्री. तो आपके पास होता क्या है बेटे, नंबर ऑफ जीरोस हमेशा लेस देन इक्वल टू डिग्री होते हैं. मैक्सिमम जो जीरोस हो सकते हैं वो आपकी डिग्री के इक्वल हो सकते हैं. तो जीरोस हमेशा डिग्री पे डिपेंड करते हैं. तो जैसे हमारे पास फर्स्ट वाले की डिग्री जीरो है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो जीरो पॉलिनोमियल में जीरो 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 होंगे, यानी कि नो जीरो. लीनियर पॉलिनोमियल में 1-0, ठीक है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2-0, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3-0, एंड बाई क्वाड्रेटिक में 4. मैक्सिमम जीरो. तो ये हमारे पास है. तो आपके पास क्या है सेकेंड एक्सरसाइज, इट इज जस्ट अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो आपसे कहता है इसके जीरोस फाइंड करें. तो इसकी प्रॉपर्टीज सारों की तो बाद में करेंगे, फिलहाल हम आज क्वाड्रेटिक की ही बात करते हैं. तो इसी को खत्म करते हैं बस. इसी पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ, आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे. सपोज करो मैं आपसे कह दू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लाइक दिस, या मैं आपसे कह दू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, कुछ इस तरह से मैं आपसे कह दू. तो अगर आप फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे a क्या है, वॉट इज a? A मीन्स a हमारा होता है जो x स्क्वायर के साथ नंबर होता है.
तो यहाँ पे x square के साथ जो number है वो हमारा 1 है, तो आप कह सकते हो a is 1. In this case, what is b? 5. C is 5. What is c? 6. C is 6. In the second case, what is a? 2. What is b? Is 3. And what is c? Is minus 7. हम क्या कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कि भाई अभी हमें इतना तो पता चल गया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में सर वो मैक्सिमम 2 होते हैं. ठीक है, अगर वो 2 होते हैं तो उन 2 को अब हमने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया, उनका नाम रख दिया. एक को हम कहेंगे अल्फा और एक को हम कहेंगे बीटा. अल्फा के लिए साइन ये होता है और बीटा के लिए साइन ये होता है, सिंबल. ठीक है, तो ये हमारे पास जीरोस. तो हमारे पास क्या होता है बेटे, ये जो आपके पास जीरोस हैं अल्फा बीटा और ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी एंड सी, इनमें रिलेशन होता है. इनमें रिलेशन क्या होता है कि आपके पास पॉलीनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज माई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी एक्स, इट हैज टू जीरोस अल्फा एंड बीटा. So alpha plus beta is equals to minus b by a and alpha into beta is c by a. जो आपके पास sum of zeros होगा, ठीक है, वो हमेशा minus b by a के equal होगा और जो आपके पास product of zeros होगा वो हमेशा c by a के equal होगा. ये होता है. ठीक है, फिलहाल आप ऐसे याद रखिए, अदरवाइज सबका एक सिक्वेंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा. तो हमसे ये प्रूव कराता है कि आप क्या करो, आप जीरोस फाइंड करो एंड वेरीफाई दिस रिलेशनशिप कि क्या ऐसा होता है या नहीं. अगर होता है तो प्रूव दिस कि दिस इक्वल्स टू दिस. ये हमारे पास तो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको समझाते हैं. सपोज करो मैंने आपसे कहा ये मेरे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स और मैं आपसे कह रहा हूँ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ठीक है सर, हम आपसे कह रहे हैं इसके जीरोज निकालिए. नाइन्थ में इतना आपने किया होगा कि आपने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किया होगा. ठीक है, फिलहाल मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही समझ के कर रहा हूँ कि आपको आता है. आपने क्या किया होगा, 2 × 1 किया होगा, 2 × 1 = 2. इस 3 को आपने ब्रेक किया होगा लाइक दिस, 2 + 1 x + 2. तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x + x + 2. हाँ भाई, सब बच्चों ने किया है ना इस तरह से फैक्टराइजेशन? यस यस सर. फर्स्ट वाले में बेटे x कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या आएगा बेटे x, तो आपका क्या रहेगा x प्लस 2. सेकंड वाले में से 1 बेटे कॉमन आएगा, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आएगा x प्लस 2. नाउ वी हैव x प्लस 2 एंड x प्लस 1. पहला पार्ट तो होता है बेटे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल. दूसरा पार्ट होता है उन फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो रख दो. जीरो के इक्वल रखने से x की वैल्यू आ जाती है. तो आप क्या करेंगे, x प्लस 2 को कंसीडर करेंगे 0 के इक्वल, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -2. x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे बेटे तो वैल्यू मिलेगी -1. तो आपने जो -2 कहा है उसको नाम रख देना है. ठीक है, उसका नाम हमने लिख दिया अल्फा के भाई आज से तुम अल्फा कहलाओगे और आप क्या कहलाओगे सर, आप कहलाओगे सर बीटा. नाउ वी हैव टू जीरोस, अल्फा इज -2, बीटा इज -1. मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई मेरे पास पॉलिनोमियल था पी एक्स, इट वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, इट हैज टू जीरोस, अल्फा इज -2 एंड बीटा इज -1. तो इट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोस. तो पहला वाला ये पार्ट करना है. अब दूसरा क्या है, क्या मुझे आप ये बताएंगे कि जो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 था, x स्क्वायर प्लस 3x + 2, उसमें मेरा अल्फा आया है -2 और बीटा आया है -1. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे a क्या था बेटे इस पॉलिनोमियल में? 1. वेरी गुड. और b क्या था बेटे? 3. एंड c वाज 2. तो आपसे क्या कहता है कि अल्फा बीटा में और ए बी सी में जो रिलेशन होता है उसे वेरीफाई करो, ये आपसे कहता है. तो अब हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है हियर अल्फा प्लस बीटा. बताओ अल्फा कितना है हमारा? -2. बीटा कितना है हमारा? -1. तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बेटे? -3.
अच्छा हमने अभी आपसे क्या कहा था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है दैट इज माइनस माइनस बी बाई ए, तो अब आप कुछ सोचो माइनस बी बाई ए क्या होगा, बताओ बी हमारा कितना है, थ्री, माइनस पहले से लगा हुआ है ध्यान रखना, और ए कितना है हमारा, माइनस थ्री बाई वन क्या होगा बेटे, माइनस थ्री, क्या दोनों सेम आ गए, yes, कि जो अल्फा प्लस बीटा था वही वैल्यू माइनस बी बाई ए की आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, आप कहेंगे ये हमने वेरीफाई कर दिया या प्रूव कर दिया। अब हमें करना है कि भाई अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस, यहाँ पे जो हमारा आया है माइनस टू इंटू माइनस वन, ये हमारे पास आया है तो माइनस टू इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा बेटे, प्लस टू हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट सी बाई ए, सी हमारा कितना था बेटा, सी हमारा था टू और ये हमारा था वन, तो ये हो गया टू बाई वन इज ऑल्सो टू, क्या ये दोनों भी सेम आए हैं, तो आप कह सकते हो सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन है बस आपके एक्सरसाइज 2.2 में, हमसे कहेगा फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं आपके क्वेश्चन, दो एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे आपकी इतनी सी बात करने से। ये देखो भाई सब बच्चे, ये क्वेश्चन है बेटे आप सब बच्चों के लिए ना, अब हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि होता क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं ये हम देखें। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर वन है बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, सेकेंड फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, एक्चुअली फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये कम्प्लीट क्वाड्रेटिक आपके पास है जिसमें ए बी सी तीनों टर्म दी हुई है, बट आपके पास स्पेशली क्या है बेटे फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपके पास टू टर्म्स वाले पॉलीनोमियल इसको देखेंगे ठीक है। और ये यहाँ पे जो थर्ड गिवन है कंफ्यूज करने के लिए, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपसे क्या कह रहा है फाइंड द जीरोस, प्लीज ध्यान से देखें, फाइंड द जीरोस ऑफ द, पहला पार्ट ये है ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स, तो पहला पार्ट जीरोस फाइंड करना है, दूसरा वेरीफाई द रिलेशनशिप, दूसरा पार्ट है बेटे रिलेशनशिप जो है जीरोस का एंड कोफिशिएंट्स का वो वेरीफाई कर, तो मैं थर्ड वाले से ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी कर रहा है और उसमें मैं तरीका भी बताऊंगा होता क्या है। हमारे पास क्या है बेटे, ये पॉलिनोमियल है पी एक्स, और पी एक्स क्या है बेटे सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन, आपको क्या करना है आपको जीरोस फाइंड करने, जीरोस कैसे फाइंड करोगे आप, जीरोस फाइंड करोगे बेटे फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, कहीं कहीं पे हमारी आइडेंटिटी भी यूज हो जाती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कहीं कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेकेंड एक्सरसाइज इज जस्ट अबाउट द क्वाड्रेटिक, तो पावर टू होगी, तो पावर टू में कहीं कहीं पे आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली भी, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें दोनों दिए हुए अभी देखेंगे भी क्वेश्चन में, तो आइडेंटिटी भी यूज है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, लेकिन बेटे उसके लिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो आपकी पावर्स होती हैं वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो क्योंकि हम फैक्टराइज करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप अपने इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखो बेटे कैसे लिखोगे, सिक्स एक्स स्क्वायर, इसके बाद बेटे होना चाहिए था सेवन एक्स, इसके बाद होना चाहिए था कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बेटे सब बच्चे ध्यान से देख लेना कि आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज आपने ऐसे ही इसको फैक्टराइज कर दिया तो आप गड़बड़ कर दो। बात समझ में आ गई जी, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, अब आप क्या करेंगे ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे इसको फैक्टराइज। तो अगर किसी बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है तो वो समझ लीजिए सिर्फ थ्री स्टेप्स हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर आपको करना है, अगर फैक्टर करने हैं तो देयर आर ओनली थ्री स्टेप। पहला स्टेप क्या है बेटे, जो भी आपके पास फर्स्ट नंबर है सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, और जो आपके पास लास्ट नंबर है उनको बेटे मल्टीप्लाई कर दी,
तो ये आपका पहला स्टेप है, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ये फर्स्ट है, प्रोडक्ट लेना है आपको। सेकंड क्या है, तो पहला पार्ट हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, या आप कह सकते हैं ए इंटू सी। सेकंड है कि मुझे इस प्रोडक्ट को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का क्या मतलब है, जो मेरे पास 18 आया है, आप बेटा ऐसे लिख सकते हो 18 into 1, आप बेटा इसे लिख सकते हो 9 into 2, आप बेटा इसे लिख सकते हो 6 into 3। ये आपके पास जो है रैशनल फैक्टर्स हैं, अदरवाइज इरेशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास है। एंड लास्ट आपके पास क्या है बेटे, आपको चेक करना है थर्ड, कि आपके पास जो ये फैक्टर्स आ रहे हैं, इन फैक्टर का सम, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, या फिर इन फैक्टर्स का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स मस्ट बी इक्वल टू मिडिल टर्म। जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसका मिडिल टर्म कितना है? हाँ भाई बताओ कोई बच्चा मुझे, मिडिल टर्म कितना है नंबर? माइनस नहीं देखना बेटे, माइनस प्लस नहीं देखना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आप माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाए, आप तो बस ये देखे कि मेरा मिडिल टर्म है 7। तो मेरे पास जो पहले वाले फैक्टर्स है, अच्छा सम देखना है या डिफरेंस देखना है, इट डिपेंड्स ऑन द लास्ट साइन। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसका लास्ट साइन माइनस है प्लस है बेटे? माइनस। तो अगर बेटे माइनस है तो आपको डिफरेंस चेक करना है, और अगर ये प्लस होता तो आपको सम चेक करना है। सब बच्चे बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, खत्म हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज ये लास्ट वाली। तो अब हमारे पास पहला वाला फैक्टर था 18 और 1, और तो मुझे लास्ट मेरा साइन है माइनस, तो अगर लास्ट मेरा साइन माइनस है तो मुझे बेटे इसमें डिफरेंस चेक करना है। तो अगर मुझे डिफरेंस चेक करना है तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म मेरा है यहाँ पे बेटे 7। तो अगर यहाँ मेरा मिडिल टर्म 7 है तो 18 और 1 का डिफरेंस कितना होता है बेटे? 17। तो 7 नहीं है, तो इसका मतलब 18 और 1 वाले फैक्टर नहीं लेने। 9 और 2 का डिफरेंस कितना होता है बेटे? 7। तो यही वाला मुझे लेना है। 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है बेटे? 3। तो ये वाला नहीं लेना है। तो इसका मतलब आपको जो फैक्टर लेने हैं वो 9 और 2 लेने। अब दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास पॉलिनोमियल क्या था बच्चा, मेरे पास पॉलिनोमियल था 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो मुझे अपने 7 को डिफरेंस ऑफ 9 और 2 लेना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। मेरे पास 9 और 2 आ गए तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसको कहते हैं, कि आपने अपने आप मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। 7 को आपने 9 - 2 लिखा, बिकॉज मैथ्स में आप बेटे अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, जो है एज इट इज ही रहेगा। तो आपने 7 को स्प्लिट कर दिया, तो 7 को आप क्या लिख सकते थे, 7 को आप 11 - 4 लिख सकते थे, 20 - 13 लिख सकते थे, 6 + 1 लिख सकते थे, 5 + 2 लिख सकते थे, बट आपने 9 - 2 क्यों लिखा है, उसका ये राइट साइड में पूरा लॉजिक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आपसे मना किया कि माइनस प्लस मत देखो, अगर आप ब्रैकेट यूज कर रहे हो बेटे तो ऑटोमेटिकली विच फैक्टर शुड बी पॉजिटिव एंड विच फैक्टर शुड बी नेगेटिव वो अपने आप आ जाएगा। जरा ब्रैकेट ओपन करो, अगर बेटे ब्रैकेट ओपन करोगे, अभी एक क्वेश्चन और लेंगे फिर समझेंगे इसको अच्छे से, तो ये आएगा बेटे -9x और -9 हो जाएगा बेटे +2x। सब बच्चों को बात समझ में आई? यस सर। बस इतना सा ही बेटे। अब आपके पास पेयरिंग करनी होती है, पहले दो फैक्टर्स हैं बेटे, उनमें नंबर्स में पहले चेक करो कि नंबर में क्या कॉमन है, तो नंबर में 3 कॉमन है, और वेरिएबल में देखो x की पावर 1 कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या आएगा बेटे 2x - 3, ठीक है। अच्छा प्लीज ध्यान रखिए, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो मिडिल टर्म का साइन होता है बेटे वो एज इट इज लेना होता है, अगर बीच वाला प्लस है तो प्लस ही लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, और कुछ नहीं करना है। अब आपके पास लास्ट 2 टर्म्स बचे बेटे 2x - 3, तो क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है तो 1 कॉमन होता है बेटे, 1 कॉमन लेंगे तो इन ब्रैकेट दोनों ये सेम आने चाहिए। तो प्लीज आप सब बच्चे ध्यान देखिए, जब आप फैक्टराइज कर रहे होते हैं बेटे, तो आफ्टर टेकिंग कॉमन
बोथ ब्रैकेट मस्ट बी सेम एज द नंबर्स जो भी उसके अंदर आ रहे हैं और एज द साइन. पहला ब्रैकेट 2x माइनस 3 है तो दूसरा ब्रैकेट भी 2x माइनस 3 ही होना चाहिए, प्लस 3 नहीं होना चाहिए. तो ये आपके पास सेम आ रहा है तो इसका मतलब हम फैक्टर सही कर रहे हैं. तो अब बेटे 2x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए. तो अगर आप 2x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बेटे आपके पास रह गया 3x, मिडिल साइन था प्लस और 1, तो ये आपके पास 2 फैक्टर्स आएंगे. तो फर्स्ट पार्ट है आपका कि जो भी आपके पास पॉलिनोमियल था बेटे उसको फैक्टराइज करना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से. तो आपने बेटे फैक्टराइज कर दिया, ठीक है. अब आप इनको जीरो रखेंगे, 2x माइनस 3 को और 3x प्लस 1 को आप रफली रख सकते हैं, आप फेयरली रख सकते हैं. तो अच्छा स्टेप बचाया करो. अच्छा बताओ 2x माइनस 3 को अगर मैं जीरो रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2. सब बच्चे बताओ क्या 3/2 आ रही है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि स्टेप्स बचाने हैं यहाँ, तो मैं समझाने के लिए भी ज्यादा स्टेप्स लिखता हूँ, तो आपको वहाँ टाइम भी सेव करना है. बेटे 2x माइनस 3 को जीरो रखेंगे तो 2x = 3 आएगा और x = 3/2 आएगा. तो आप ऐसे ही लिखा करो x = 3/2. अच्छा बताओ 3x प्लस 1 को जीरो रखेंगे तो क्या आएगा? -1/3. वेरी गुड बेटे, -1/3. तो नाउ यू हैव टू फैक्टर्स या टू जीरोस. तो आपने एक को कह देना है अल्फा, तो हमारा पास अल्फा आ गया बेटे 3/2 एंड बीटा आ गया बेटे -1/3. तो इट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फाइंडिंग जीरोस, ठीक है. अच्छा हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था बेटे? पॉलिनोमियल हमारे पास था 6x² - 7x - 3. ये हमारे पास फैक्टर. अब आपसे कह रहे हैं कि अब आप वेरीफाई भी करिए कि जीरोस और एबीसी में रिलेशन क्या है. कोई बच्चा मुझे बताएगा हमारा ए क्या है यहाँ पे? 6 और बी क्या है बेटे यहाँ पे? -7. यहाँ माइनस ध्यान रखते हैं. और सी क्या है बेटे यहाँ पे? -3. तो जरा चेक कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों को अलग अलग लिख के कर सकते हो या दोनों को एक साथ रख के. मैं एक को अलग अलग करके लिख रहा हूँ और एक को एक साथ रख के, आप समझिएगा मतलब. सो अब हमारे पास क्या है, नाउ अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बेटे? अल्फा इज माई 3/2, बीटा इज माई 1/3. एलसीएम कितना है बेटे? 6. तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9 - 2. -2 आ गया बेटे 7/6. अच्छा अल्फा प्लस बीटा मैंने किसके इक्वल बताया था बच्चा? -b/a. वेरी गुड, ये थोड़ी देर के लिए याद रखा है, नेक्स्ट क्लास में तो सीक्वेंस बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अब हमें चेक करना है -b/a. तो हमारा b कितना है बेटे? b हमारा कितना है, कोई बच्चा बताएगा? -7. यस बेटे, तो b आपका आ गया बेटे -7. और c कितना है, सॉरी a कितना है? 6. माइनस माइनस प्लस. बताओ दोनों आ गए सेम या नहीं? Yes, sir. तो आप क्या कहेंगे बेटे? आप कहेंगे सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. ये हो गया बेटे अल्फा प्लस बीटा. अच्छा बताओ अब हमें नेक्स्ट लेना है, हमें नेक्स्ट क्या लेना है? अल्फा इनटू बीटा. अब ये तो मैंने अलग अलग करके लिखे, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग फाइंड कर ली, माइनस बी बाई ए की अलग फाइंड कर ली, दोनों इक्वल आ गए तो मैंने इक्वल रख दिया. अदरवाइज आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हो. आपने क्या किया, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. तो दोनों की वैल्यू साथ साथ रख लो. अल्फा हमारा था बेटे, अल्फा इज 3/2, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा इनटू बीटा, इनटू बीटा. तो अल्फा हमारा था 3/2 और बीटा हमारा कितना था बेटे? -1/3. तो हमने दोनों को एक साथ ही रखना है. और सी हमारा कितना है बेटे? -3. और ए कितना है हमारा? 6. तो आप चेक करो, देखो दोनों साइड सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब आपका बेटे 3 कैंसिल हो रहा है और यहाँ से भी 3 से कैंसिल हो रहा है. तो आपके पास क्या आ रहा है बेटे? -1/2. तो ये प्रूव हो गया. तो चॉइस इज योर्स कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं. तो अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए इज प्रूव, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस. कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया? यस सर. यस सर. अब मेरे साथ एक क्वेश्चन और दोबारा से थोड़ा सा वो ले लो, समझ लो कि भाई हमारे पास क्या है. प्लीज ध्यान से देखो बेटे, हमारे पास क्या है. सब बच्चे प्लीज, जो अभी तक भी इन्वॉल्व नहीं है वो भी दोबारा से हो जाए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा बेटे, ax² + bx + c. यहाँ से बेटे हमारे टू जीरोस आएंगे, एक को हम कहेंगे अल्फा और एक बीटा. तो पहला हमसे कहेगा फाइंड द जीरोस, तो एक तो हम जीरोस फाइंड करें.
फिर आपसे कहेगा वेरीफाई द रिलेशनशिप. तो वेरीफाई क्या होगा कि भाई अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है सी बाई ए होता है. बस इतना सा मतलब ये हमारे पास है बी अपॉन ए और फिर हमारे पास है सी अपॉन माइनस फिर प्लस ये हमारा सिक्वेंस रहता है. तो इतना सा करना है. देखो एक और उसमें एक और चीज आपके सामने आ जाएगी कि आइडेंटिटी क्या है और कैसे हम उसको ये आपके पास बेटे फर्स्ट का सेकंड पार्ट है. Here is my polynomial. ठीक है सर पॉलिनोमियल पी एस इन एस 4s square minus 4s plus 1. पहला तो पार्ट क्या है फाइंड द जीरोस. फाइंड द जीरोस मतलब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लीजिए या अगर आइडेंटिटी यूज हो रही है तो वो अप्लाई कर दीजिए. तो क्या किसी बच्चे को यहाँ पे आइडेंटिटी नजर आ रही है कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? यस सर. यस सर. सब बच्चे ध्यान से देखें 4s square को मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं 2s whole square. Whole square. है ना नाइन्थ में आपने क्या हुआ 1 को बेटे हम कंसीडर कर सकते हैं 1 square. Square. और फिर हम कर सकते हैं 2ab. सब बच्चे अगर ध्यान से देखें 2s into 1. A square plus B square. या तो प्लस 2ab होता है या बेटे माइनस 2ab होता है. तो क्या यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दो बच्चे तो 17 थे 15 ही रह गए. तो जो बच्चे हैं वो जाग रहे हैं तौहीद. यस सर. समझ में आ रहा है कुछ? यस सर. अब्दुल राफे साहब. यस सर. संगे मित्रा तो है शादान. यस सर. सालिक. यस सर. आर्यन. आर्यन आर्यन नहीं मालूम. आयान. यस सर. अच्छा है माशाल्लाह. मर्जिया. यस सर. ठीक है. हंसला. यस सर. अब्दुल रहमान. यस सर. आफिया. यस सर. इकरा. यस सर. नेक्स्ट क्लास में आप सब लोगों के कैमरे ऑन होंगे ध्यान रहे. देखूंगा कौन कौन सो रहा है कौन जाग रहा है. प्लीज आइए. हमारे पास क्या है बेटे यहाँ फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. तो इसका मतलब आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी सीधी सीधी सी ए माइनस बी होल स्क्वायर. इट मीन्स 2s माइनस 1 इज 2 टाइम. तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी. बताओ बच्चा s की वैल्यू क्या आई? 1/2. वेरी गुड वेरी गुड शाबाश. तो s की वैल्यू आ गई बेटे 1/2 टू टाइम. तो इसका मतलब ये है बच्चा कि मेरा अल्फा जो है वो भी 1/2 है बेटे और बीटा जो है मेरा वो भी 1/2. दैट इज हमें इससे रिपीटेड रूट्स कहते हैं कि अगर हमारे रूट सेम आते हैं तो वो रिपीटेड रूट्स कहलाते हैं. रूट्स टू है बट वो इंटरसेक्ट एक ही जगह करेंगे तो वहां पे हमारा कर्व रिटर्न हो रहा होता है बेसिकली. तो खैर पहला पार्ट हमारा क्या था कि आपको जीरोस फाइंड करना था. दूसरा पार्ट क्या है वेरीफाई करना है. अब वेरीफाई करना यही सीख लीजिए छोटा सा बस ये कर लेते हैं. नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए. अल्फा कितना आया है भाई? 1/2. बीटा कितना आया है? 1/2. जरा मुझे बताइए बी हमारा कितना है बेटे? माइनस फोर. वेरी गुड शाबाश. तो हमारा माइनस पहले से और फिर माइनस फोर. और ए कितना है हमारा? फोर. ए भी हमारा फोर है बेटे. तो इसका मतलब 4/4 हो जाएगा. तो बताओ 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 2/2 इज इक्वल टू 1. 1 होता है. हाफ प्लस हाफ बेटे 1. और माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4 कितना होता है? 1. तो LHS equals to RHS. ये बेटे प्रूव हो गया. और ठीक है बेटे अब दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A. अगेन बेटे अल्फा बीटा रखिए. अल्फा मेरा 1/2 है बेटे, बीटा मेरा 1/2 है. अच्छा C हमारा क्या था बेटे? 1.
है ना, सी हमारा बेटे यहाँ पे वन और ए हमारा फोर है, फोर वन बाई फोर। तो देखो वन बाई टू इंटू वन बाई टू कितना होता है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो इतना सा पार्ट करना, सब बच्चों को समझ में आया? यस सर। ये तो हमारे पास थे जब हमारे पास थ्री टर्म्स होते हैं, एक हम लेते हैं जिसमें हम बस टू टर्म्स दिए, ठीक है। ये हमारे पास है दो पार्ट दिए हुए आपके पास, सब बच्चे देखो इधर, ये है बेटा हमारे पास 4u² + 8u + t² - 15। बताओ कौन सा पार्ट करूं? कौन सा भी सर, फोर्थ या फिफ्थ? फोर्थ कोई भी कर लिया सर। अच्छा पॉलिनोमियल इन u बेटे हमारे पास क्या है, दैट इज 4u² + 8u। एक्चुअली पहला पार्ट आपके पास यही है बेटे कि आपको जीरोस फाइंड करने के लिए कहता है। जीरोस फाइंड कैसे होंगे, जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे। जब आप फैक्टर कर रहे होते हैं बेटे तो प्लीज आप सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, जो अब मैं यहाँ कर रहा हूँ ये मैं चैप्टर फोर में करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फैक्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको ये देखना है क्या कुछ कॉमन तो नहीं है। तो जब भी आप फैक्टर करना चाहें तो आपको यही देखना है बेटे कुछ कॉमन तो नहीं। तो क्या हमारे पास बेटे इस वाले पॉलिनोमियल में कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे? यस सर। यस सर। 4u, ठीक है बेटे, 4u कॉमन है। तो रेस्ट क्या आ जाएगा बेटे, u प्लस 8, ठीक है, 8 रिमेटेड 2 आएगा, है ना, 4 तो कॉमन ले लिया जी, तो u प्लस 2। अब आपके पास 2 फैक्टर्स हो गए, और जब आपके पास बेटे फैक्टर्स हो जाते हैं तो फिर आपके जीरोस आ जाते हैं। तो इसका मतलब पहला फैक्टर है 4u, 4u को आप जीरो रखोगे तो u की वैल्यू 0 ही आए बेटे। और दूसरा फैक्टर आपके पास है बेटे u प्लस 2, u प्लस 2 को 0 रखेंगे माइनस 2, वेरी गुड शाबाश। तो इसका मतलब बेटे u की वैल्यू आ गई 0 और u की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो फर्स्ट वाले को आपने कह दिया बेटे अल्फा, अल्फा आ गया 0 एंड बीटा इज व्हाट बेटे, माइनस 2। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई वाले को देख लीजिए, जब आपके पास 2 टर्म्स गिवन हो या 1 टर्म गिवन हो तो ध्यान क्या रखना है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना सीख लो। तो पॉलिनोमियल इन यू दैट इज पी यू इज 4u² + 8u, है ना बेटे। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं, तो अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म को जीरो लिख लीजिए, जीरो, जिससे आपको ये मालूम रहे कि मेरा ए क्या है 4, मेरा बी क्या है 8 और मेरा सी क्या है 0। वेरी गुड, अब आप वेरीफाई कर दीजिए बेटे। तो नाउ दोनों को एक साथ ही पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना आया बेटे मेरा, 0, बीटा कितना आया था बेटे मेरा, माइनस टू। बताओ बेटे बी कितना है मेरा, 8। मेरा ए कितना है बेटे, 4। 8 बाई 4 क्या होगा बेटे, माइनस टू। तो क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया? जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो ये भी प्रूव हो गया, सब बच्चों को समझ में आया क्या? Yes, एक पार्ट हमारे पास बेटा इतना सा है, ठीक है, कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना। अब एक क्वेश्चन और समझ लीजिए और अपनी एक्सरसाइज को करते रहिएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। हमारे पास क्या होता है बेटे, कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है पी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। प्लीज ध्यान से देखो बेटे, तो एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूँ आप सब बच्चों से कि भाई इसको ए से डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो ए से, तो हमारे पास ये कुछ ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, ठीक है सर, एक्स प्लस सी अपॉन ए, सिर्फ बस ऐसे ही अभी इसको आपको फॉर्म करके दिखा रहा हूं। अगर मैं इस प्लस को भी ऐसे लिखूं माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए,
ये हमारे पास पॉलिनोमियल की स्ट्रक्चर आ गई। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा माइनस बी बाई ए आप किसको कह रहे थे? अल्फा प्लस बीटा। वेरी गुड। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड सी अपॉन ए किसको कह रहे थे बेटे आप? अल्फा प्लस बीटा। तो बेसिकली यही होता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं बेटे। माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो एक पार्ट छोटा सा आपके यहाँ ये है कि आपसे क्या कहता है सर पॉलिनोमियल फॉर्म करो। अभी तक तो पॉलिनोमियल गिवन था और आपसे फैक्टराइज करके जीरोस निकलवा रहा था। अब आपसे रिवर्स कह रहा है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? कब? अगर हमें सम ऑफ जीरोस गिवन, सम ऑफ जीरोस गिवन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन, ठीक है? तो हमें क्या गिवन होगा? अल्फा प्लस बीटा। और हमें क्या गिवन होगा? अल्फा इनटू बीटा। तो हमारा पॉलिनोमियल जो होता है बेटे सिर्फ इतना सा होता है कि हम क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम की वैल्यू रखनी है एंड प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू रखनी है, सिर्फ इतना सा करना, ठीक है सर? तो यहाँ देखो सिर्फ एक पार्ट देख लो बाकी आप करते रहे। ये दूसरा पार्ट है आपके इस एक्सरसाइज का। जी बेटे देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सब बच्चे बस मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो पहला वाला बेटे हमें सम गिवन है एंड सेकेंड वाला हमें प्रोडक्ट गिवन है। और पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है? इस सम को हमें यहाँ रखना है और इस प्रोडक्ट को कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो पहले वाले क्वेश्चन में प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, हमारा पॉलिनोमियल होगा बेटे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम। सम कितना है? 1/4x और प्रोडक्ट कितना है बेटे? -1। ये बस मेरा आंसर है बेटा जी, कहानी खत्म, ठीक है? आप इसको थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करके लिखना चाहो लिख लेना, बट आंसर इतना ही है। मतलब अपॉन में 4 आ रहा है उसे हटा दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, वो तो हम कर लेंगे, बट आंसर इतना है। देखो अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं बेटे, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं, ये मेरा √2 1/3 है, तो मेरा पॉलिनोमियल क्या होगा बेटे? पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। सब बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. बस इतना सा करना है, ठीक है? अब इसमें क्या डेंटिंग पेंटिंग करनी है, आप थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग सीख लो बस। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में है तो उसको सिंपलीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 4 हमारे पास एलसीएम आ रहा है तो हम 4 ले लेते हैं एलसीएम। तो ये बेटे कुछ ऐसे नजर आएगा 4x² - x - 4। तो इसको हम बेटे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 को हम कॉमन की तरह से ले लें और इन साइड रखें 4x² - x - 4। अब क्योंकि पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं हम इक्वल्स टू जीरो लेते हैं एक तरह से, या कांस्टेंट्स के मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता, तो इस कांस्टेंट को इधर ले जाते हैं। तो रेस्ट जो हमारे पास है वही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या है? 4x² - x - 4। इतनी सी आप डेंटिंग पेंडिंग कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर इतना सा काम करना है, बताओ सब बच्चे कर लोगे क्या? Yes, sir. पहला वाला पार्ट क्या करना है आपको बेटे? फैक्टराइज करना है और आपको जीरोस फाइंड करने हैं एंड अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा का रिलेशन वेरीफाई करना है। और दूसरा वाला पार्ट क्या करना है? इफ सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज गिवन, तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो इतनी सी बात है सर। अब अगर आप इतना सा काम कर लेंगे